हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई किरदार अब शो को छोड़ रहे हैं और इसी लिस्ट में नाम अब जेनिफर मिस्त्री का भी जुड़ गया है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया कि जेनिफर इस शो में जो है वो मिसेस सोंधी का किरदार निभाया करती थी। लगभग 14 से 15 सालों से वो इस शो से जुड़ी हुई थी, पर अचानक उन्होंने मार्च के महीने में इस शो को छोड़ दिया और अब जाकर उन्होंने इस शो को छोड़ने की कई बड़ी वजह बताई हैं। जेनिफर का कहना है कि उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, काफी हैरास किया गया है, उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। इतना ही नहीं, जेनिफर ने इस बात का खुलासा किया है एक इंटरव्यू में कि उनके साथ सेट पर जो मेकर है शो के, जो प्रोड्यूसर है असित मोदी, उनकी कुछ बातों ने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल किया। दरअसल जेनिफर ने कहा कि जब पूरी टीम को शूटिंग के लिए सिंगापुर लेकर जाया गया था, उस वक्त असित मोदी ने जो जेनिफर है उनके साथ कुछ गंदी बातें की थी और अब वो गंदी बातें आ गई है सामने, जिसका शिकार जेनिफर हो गई है। जेनिफर ने बताया है कि जब वो सिंगापुर गई थी पूरी टीम के साथ, तो उस वक्त असित मोदी ने एक दिन उन्हें कहा, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता है कि किस कर लूं। इतना ही नहीं, जेनिफर ने इस बात का भी खुलासा किया है कि एक बार जो असित मोदी है उन्होंने कहा था कि रात को मुनमुन तो चली जाएगी, तुम अकेले क्या करोगी, साथ में बैठकर विस्की पिएंगे। जी हाँ, ये बात कही थी और इस बात को सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, काफी घबरा गई थी। हालांकि उन्होंने इन बातों को अवॉइड किया। जेनिफर ने कहा कि हद तो तब हो गई जब मैंने 15 दिन की छुट्टी मांगी क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी, लेकिन असित मोदी की जो टीम थी, मैंने जब उन्हें छुट्टी के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मैंने रोते हुए असित मोदी को फोन किया तो असित मोदी ने फोन पर मुझे कहा, तुम पास में होती तो तुम्हें गले से लगा लेता। और ये बात सुनकर बाद में जब असित मोदी ने जेनिफर को कहा कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन जेनिफर को काफी ज्यादा डर लगने लगा था जिस तरह की बातें उनके साथ होती थी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जेनिफर ने असित मोदी और प्रोडक्शन की टीम के दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। इस तरह की अपडेट्स के लिए गाइस गॉसिप टाउन जरूर देखिए।